आज हम डिटेल पे जानेंगे ड्राइंग रीडिंग के बारे में प्रॉपरली। तो आज हमने एक बीम का केस लिया हुआ है ड्राइंग पे, जिसमें कि हम बात करेंगे कि उसको रीड कैसे किया जाता है और क्या सारे उसकी इंपॉर्टेंट। तो आइए गाइज, मैं आपको थोड़ा सा ड्राइंग रीडिंग के बारे में बता देता हूं। तो सबसे पहले गाइज, अगर बीम के केस में बताएं तो सबसे पहले ये बीम की जो फ्रेमिंग है, यहाँ पर फ्रेम बना हुआ है। सबसे पहले हमें फ्रेम को समझना होता है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं प्रॉपरली, क्लियर। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर फ्रेम को समझना है हमको कि फ्रेम क्या ये कहना चाह रहा है। यहाँ पर इसको सबसे पहले रीड करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर हम देखते हैं नीचे हमारी जो ड्राइंग गिवन है, यहाँ पर है फ्रेम वन और यहाँ पर गिवन है फ्रेम टू। इस चीज को हम देखते हैं और समझते हैं। मैं इसको और आपके लिए जूम करता हूं। तो गाइस, सबसे पहले इस बीम के जो हमारा फ्रेम है, इसमें हमें देखना है क्या क्या डाटा और स्पेसिफिकेशन मौजूद है। तो यहाँ पर आप देखिए, इस कॉलम के सेंटर से, मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर इस कॉलम के सेंटर तक का जो डिस्टेंस यहाँ पर प्रॉपरली गिवन है वो कितना गिवन है, 3800 mm यहाँ पर डिस्टेंस गिवन है हमें। नेक्स्ट जो डिस्टेंस हमें यहाँ पता चलता है कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस दिया गया 1265 का एक डिस्टेंस यहाँ पर गिवन है। कहाँ से? कॉलम के सेंट्रल पार्ट से यहाँ पर एक डिस्टेंस गिवन है 1265 का। अब देखते हैं कि ये 1265 का डिस्टेंस क्या है, आगे चल के मैं आपको समझाऊंगा प्रॉपरली और क्लियरली इस बारे में। सिमिलरली इस साइड से भी अगर मैं देखता हूं तो कॉलम के सेंट्रल पार्ट से एक डिस्टेंस गिवन है 1265। यहां पर आप देख रहे होंगे कुछ मार्क लगे, यहां पर आप देख रहे होंगे यहां पर एक सिंबल है, जो कि मैंने बीबीएस में, जो मैंने आपको लास्ट में एक ड्रॉइंग भी दी है दोस्तों, ड्रॉइंग में आप देखेंगे जो ड्रॉइंग का पीडीएफ है उसमें जब आप जूम करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर एक मार्क दिखेगा आपको, क्लियर। ये मार्क यूज होता है एक्स्ट्रा बार को शो करने के लिए, क्योंकि बार तो एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं। अगर बार ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे से तो उस केस में क्या होता है आपको क्लियरली कि बार्स को आप देख नहीं पाते, लेकिन वहां पर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जो कि 1265 है, उस डिस्टेंस तक आपको दिख रहा होगा एक बार आई है हमारी। उस बार का अब हम अगर कैलकुलेशन करेंगे कटिंग लेंथ, तो मैंने आपको वीडियो में बताया है। सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर एक डाटा गिवन है 5-12-3+2, क्लियर। यहां पर हमें डाटा गिवन है 5-12-3+2। तो इस डाटा को कैलकुलेट करते हैं हम प्रॉपरली। नेक्स्ट बात करते हैं 5-12-3+2, दैट मींस कि हमारी पांच बार, ये जो कॉलम के एंड से हमारी कितनी बार लगना चालू हुई, पांच बार लगना चालू हुई है इस फ्रेम में, और 1265 के डिस्टेंस तक कितनी बार लगी हमारी, पांच बार, जो कि यहां पर एक सिंबल आपको पीडीएफ में भी है वो भी आपको नजर आया होगा यहां पर सिंबल में। देन उसके बाद जो हमारा डाटा है वो हमारा डाटा क्या यहां पर शो कर रहा है, 2-12, इसका मतलब कि दो बार 12 mm डायमीटर का। यहां पर कितनी बार लग रही थी, 5-12, और 1265 के डिस्टेंस के बाद कितनी बार निकल रही है, दो बार आगे निकल रही है पांच में से। तो यहां पर पांच और इस डिस्टेंस के बाद बाहर निकली कितनी, दो। तो इससे हमको क्या समझ में आता है, पीछे कितनी बार छूट गई। अगर मैं आपको यहां पर करके दिखाऊं तो यहां पर पांच बार मेरी आ रही थी और यहां पर सिर्फ दो ही आगे निकल पाई, तो 5-2 कितनी बच गई हमारी, तीन बार बच गई, क्लियर। तो ये तीन बार हमारी यहां पर टॉप एक्स्ट्रा है, क्लियर। यहां पर तीन एक्स्ट्रा है और दो मेन बार हमारी यहां पर यूज हो रही है, क्लियर है दोस्तों। ये इसके साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली जब मैं इस एंड पर पहुंचता हूं तो यहां भी मैं देखता हूं प्रॉपरली 1265 की डिस्टेंस है, दो बार चली आ रही है। उसके बाद इस डिस्टेंस पर वापस से यहां पर डाटा क्या हो जाता है, 5-12-3+2। इसका मतलब कि दो बार कंटिन्यू आ रही थी, 1265 जैसी डिस्टेंस पहुंचा ये क्रॉस सेक्शन में आया, ये कितनी हो गई, 5-12 हो गई। इसका मतलब कि दो मेन बार आ रही थी और यहां पर इसको कितनी एक्स्ट्रा बार मिल गई, तीन एक्स्ट्रा बार मिल गई। तो टोटल यहां पर ये हो गया 5 बार, क्लियर है गाइस। तो इस तरह ड्रॉइंग को पढ़ना होता है, समझना होता है। अब ये हम बात करते हैं कि पांच बार आ रही है, तो इस पांच बार में कौन कौन सी बार लगी हुई है हमको कहां पर पता चलेगा, इसके क्रॉस सेक्शन में। तो आइए मैं आपको इसका क्रॉस सेक्शन दिखाता हूं। इसका क्रॉस सेक्शन देखते हैं हम यहां पर। यहां पर आप देख सकते हैं हमारा क्रॉस सेक्शन का जो साइज है 250x300, हमारा क्रॉस सेक्शन का हमारे बीम का क्रॉस सेक्शन है। अब यहां पर देखिए 5-12-3+2 क्या बताता है हमको, यहां पर ध्यान देना है। पांच बार तो लग रही है हमारी टॉप पोर्शन पर, लेकिन किस पोजिशन में कैसे लग रही है वो जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और वो इस वजह से जरूरी होता है क्योंकि अगर मैं पांच बार एक ही पैरेलली लगा दूंगा इस हमारे बीम के सेक्शन पे, तो ऑब्वियस ही बात है यहां पर गैपिंग कम हो जाएगी बार के बीच में।
तो इसके वजह से जो जो भी मटेरियल हम पुट करेंगे, कॉन्क्रीट हम पुट करेंगे, तो वो बीच में स्टक हो जाएगा, इनके बीच में स्पेसिंग नहीं रहेगी कि मटेरियल अंदर जा सके। इसी वजह से हमें क्या करना होता है, अगर हमारी ज्यादा बार आ रही है इसके सेक्शन पर, तो इसको हमको पोजिशनिंग करनी होती है। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे 3+2 के पोजिशन में, इसका मतलब कि 3+2 इसका मतलब तीन बार ऊपर लगेगी। वन यहां पर आप देख सकते हैं, वन टू और थ्री, तीन बार ऊपर के फेस पे लगी है, दो बार उसके जस्ट नीचे लगी और यहां पर एक टाई बार लगा है। क्लियर है गाइस? कौन सी बार लगी यहां पर? एक टाई बार। अब मैं अगर आपको बताऊं कि टाई बार का मिनिमम डायमीटर कितना होना चाहिए, जो टाई बार अगर बीच में आती है हमारे बीम के, तो मिनिमम डायमीटर टाई बार के लिए गाइस होता है हमारा 25 mm। हमारा टाई बार के लिए मिनिमम डायमीटर होता है। अब वो 25 mm ही क्यों होता है, वो इस वजह से गाइस कि जो हमारा एग्रीगेट का कॉन्क्रीट के लिए जो हमारा एग्रीगेट का साइज होता है वो होता है 20 mm। क्लियर? अब हम 5 mm और फैक्टर ऑफ सेफ्टी एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, इसी वजह से जो, ताकि अगर हम यहां पर बार लगाएं भी तो इसमें जो कॉन्क्रीट है, जो हमारा मटेरियल, उसको जाने के लिए प्रॉपर स्पेस मिल पाए, इसी वजह से हम इसका 25 mm डायमीटर लेते हैं। क्लियर है गाइस? तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन, इसको आपको समझना होगा। अगर हम मान लेते कि यहां पर 3+2 की जगह, यहां पर 3+2 की जगह 2+3 की पोजिशनिंग देती, तो दो बार ऊपर की ओर आते और तीन बार कहां आते? नीचे की ओर, इस टाई बार के जस्ट नीचे आते तीन बार। इस पोजिशनिंग को आपको समझना होता है प्रॉपरली, अच्छे से इस चीज को ध्यान रखना होता है हमेशा कैलकुलेशन या फिर ड्रॉइंग को रीड करते वक्त। नेक्स्ट, अब हम इसमें बात करते हैं कि जो मिनिमम नंबर ऑफ बार्स इन अ रेक्टेंगुलर सेक्शन, जैसे कि मैंने वीडियो में भी आपको बताया था कॉलम और सर्कुलर और रेक्टेंगुलर स्टिरअप के केस में, कि द मिनिमम नंबर ऑफ बार्स इन रेक्टेंगुलर सेक्शन या स्क्वायर सेक्शन इज 4। चार मिनिमम बार तो आने ही चाहिए, दिस इज द रूल, चार मिनिमम बार। अब वो चार बार कौन से होंगे, इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तभी आपको मेन बार और टॉप एक्स्ट्रा बार समझने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। तो गाइस, जो एक चार कॉर्नर पर बार लगी थी, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 और दिस इज 4, ये जो चार कॉर्नर पर जो बार्स लगी होती है ना गाइस, ये जो चार कॉर्नर पर बार्स आती है, ये हमारी फिक्स होती है, दिस आर कॉल्ड मेन बार्स। अब मेन बार कौन सी बार को कहते हैं, जो अपने सपोर्ट टू सपोर्ट ट्रेवल करे। कि अगर मैं आपको बताऊं, अगर हम यहां पर सपोर्ट को देखने की कोशिश करें कि सपोर्ट क्या होता है, तो अब हम इस बीम के फ्रेम पे बात करें, तो देखिए सपोर्ट क्या हो गया में हमारा, इस फ्रेम में सपोर्ट हो गया हमारे दोनों कॉलम, ये कॉलम हमारा सपोर्ट हो गया, दिस वन इज अवर सपोर्ट एंड ये कॉलम भी हमारा सपोर्ट हो गया, है ना। तो इस सपोर्ट टू सपोर्ट जो बार ट्रेवल करता है यहां से यहां तक पूरे सपोर्ट टू सपोर्ट, वो बार कहलाता है हमारा मेन बार। क्लियर? और कोई भी बार जो सपोर्ट टू सपोर्ट ट्रेवल नहीं कर पाता, वो हमारा कहलाता है एक्स्ट्रा बार, जिसको हम एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ के लिए लगाते हैं, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए लगाते हैं, वो हमारा कहलाता है एक्स्ट्रा बार। क्लियर गाइस? तो ये इस तरह से आपको ड्रॉइंग को पढ़ना होता है, ड्रॉइंग को समझना होता है। जो कि हम नेक्स्ट अदर डाटा देखते हैं, यहां पर एक नीचे डाटा गिवन है, यहां पर बॉटम बार के लिए, ये तो हमारा टॉप बार के लिए डाटा हो गया पूरा जो अभी हमने पढ़ा, हो गया हमारा बॉटम बार के लिए, जो कि यहां पर गिवन है 3-12 हमारा यहां पर डाटा गिवन है। तो 3-12 से हम क्या समझते हैं कि तीन बार लग रही है, कितने एमएम डायमीटर की, 12 mm डायमीटर की यहां पर बार लग रही है, हमको समझ में आ गई इजिली। अब हम देखते हैं कि यहां ऊपर की साइड, तो देखिए 1, 2 और 3 अलग अलग जगह हमें डाटा दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि तीन अलग अलग क्रॉस सेक्शन में अलग अलग तरह का बार आ रहा है, इस क्रॉस सेक्शन में भी अलग तरह का बार आ रहा है, यहां पर 5 बार लग रहे हैं, सेंट्रल वाले क्रॉस सेक्शन में सिर्फ 2 बार आ रहे हैं और एंड वाले क्रॉस सेक्शन में भी 5 बार आ रहे हैं। तो तीन अलग अलग क्रॉस सेक्शन में अलग तरह के बार आ रहे थे, इसी वजह से यहां पर तीन अलग अलग नेमिंग रिप्रेजेंटेशन है यहां पर। लेकिन जैसे मैं नीचे वाले बॉटम बार की बात करता हूं, तो यहां पर देखिए 3-12 है, यहां पर केवल एक ही रिप्रेजेंटेशन है। इसका मतलब कि नीचे जो बार लग रही है वो कंटिन्यू सपोर्ट टू सपोर्ट लग रही है, फ्रॉम दिस कॉलम टू दिस कॉलम यहां पर हमारी पूरी बार लग रही है, जो कि है 3 numbers 3-12 इसका डायमीटर है। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपरली, यहां पर हमको स्टीरअप का जो डायमेंशन है यहां पर गिवन है 8-2 lgst @130 center to center हमको यहां पर दिख रहा है। 8-8 mm डाया का, 2 leg stirrup मतलब कि 2 lgst मतलब 2 leg stirrup। इसका काम ये
कि जो भी हम एक सिंगल स्ट्रिंग बनाते हैं उसमें हुक कितने होते हैं, दो हुक बनते हैं, यानी कि दो लेग होते हैं। इसी वजह से इसका जो टेक्निकल नेम है हमारे स्टीरअप का वो ये है, टू लेग्ड स्टीरअप। इसमें इसको हम ड्रॉइंग में रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर एट द रेट 130 सेंटर टू सेंटर, ये हमें क्या दिखाता है यहां पर, इसकी प्रॉपरली स्पेसिंग दिखाता है कि दोनों स्टीरअप एक दूसरे से कितनी स्पेसिंग में लगे हैं, 130 सेंटर टू सेंटर की स्पेसिंग में ये लगे हुए हैं। इस तरह से हमको एक प्रॉपरली एक सिंपली सपोर्टेड, ये तो सिंपली सपोर्टेड फ्रेम का केस है, इसको हमने पढ़ा प्रॉपरली। तो गाइस ग्राउंड फ्लोर है, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है, ये हमारा प्लिंथ बीम, ये हमारा स्लैब बीम, और ये भी हमारी स्लैब बीम। क्लियर, मैं आपको थोड़ा सा और ड्राइंग पे इन सारी चीजों को दिखाता हूं। हमारा कॉलम और बीम का जंक्शन हो गया, क्लियर, कॉलम और बीम का जंक्शन हो गया कि कॉलम और ये जो बीम का बॉटम है ये हमारा मेन पार्ट है। ध्यान से रखिएगा, ध्यान से देखिएगा, जो हमारा बॉटम पार्ट है इस पर हमारा जंक्शन कहलाएगा, जहां बीम कॉलम आके एक साथ मर्ज होंगे, इसी यहां पर सारी कहानी चालू होती है। मैं अभी आपको डिटेल पे ड्राइंग के माध्यम से अभी समझाता हूं। ओके राहुल जी, तो ये प्लिंथ बीम, क्लियर, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर, ये हमारा स्लैब बीम, ये हमारा फर्स्ट, ऊपर भी स्लैब बीम, क्लियर। अब हम बात करते हैं कि जब हमारा रेनफोर्समेंट लगना चालू होता है तो कौन कौन से जोन पर लगता है। हमेशा जो कॉलम के केस में, कभी भी कॉलम के केस में जंक्शंस, मतलब कि जहां पर ये बीम और कॉलम आके मर्ज होते हैं, उन जंक्शंस पे कभी भी लैप लेंथ नहीं आता है। क्लियर है गाइस, मैं एक चीज और क्लियर कर दूं आपको, अभी जो हमारे बीबीएस के पार्ट में जो वीडियो है वो कंटिन्यूअस लेंथ के लिए है, कि अगर वन टाइम उसकी कटिंग करवानी है पूरे फ्लोर एक साथ बार की, तो उसकी कटिंग लेंथ का अभी हमने पूरा वीडियो है। बहुत ही जल्द मैं आपके लिए इस लैब से भी रिलेटेड उसमें वीडियो में अपलोड करूंगा, हर एक कोर्स में बीबीएस बेसिक से रिलेटेड, कि अगर अलग अलग लैप लेंथ होती है तो उसकी भी कटिंग लेंथ किस तरह से निकाली जाती है। अभी जो सर का क्वेश्चन है कि लैप लेंथ क्यों, कहां और कैसे प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में मैं आपको आंसर दे देता हूं। तो जैसा गाइस बीम के केस में था वो हॉरिजॉन्टल मेंबर, अभी हमारा वर्टिकल मेंबर है, तो सपोर्ट टू सपोर्ट, क्लियर। आपको लास्ट वीडियो में मैंने आईएस कोड भी बताया, उस आईएस कोड के रेफरेंस से भी आप सारी चीजें पढ़ सकते हैं, मैं आईएस कोड का रेफरेंस के हिसाब से ही सारी चीजें बता रहा हूं। जो सपोर्ट टू सपोर्ट मतलब कि कॉलम का क्लियर स्पान, यानी कि जो हमारा स्लैब बीम से प्लिंथ बीम, ये क्या हो गया हमारा एल हो गया, क्लियर, क्लियर एल हो गया हमारे कॉलम का। तो कभी भी एल बाय फोर डिस्टेंस तक, मतलब इस बीम से, इस सपोर्ट से एल बाय फोर और नीचे वाले सपोर्ट से एल बाय फोर, यानी कि स्प्लिंथ बीम के ऊपर वाले पार्ट से स्लैब बीम के नीचे वाले पार्ट तक एल बाय फोर टू एल बाय फोर यहां पर लैप कभी भी नहीं आएगा। क्लियर है गाइस, इस जोन पे कभी भी लैप नहीं आएगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्लियर, ये चीजें हमारे स्टैंडर्ड्स में भी मेंशन है क्लियरली। और क्यों नहीं रखना है, क्योंकि यहां पर जंक्शन होने के वजह से यहां पर मैक्सिमम मूवमेंट जनरेट होता है, इसी वजह से यहां पर लैप प्रोवाइड नहीं करते हैं। सिमिलरली हम बात करें कि फर्स्ट फ्लोर के लिए भी, तो स्लैब बीम के टॉप से लेकर एल बाय फोर, अब इस केस में एल क्या हो जाएगा यहां पर, क्लियर स्पान कॉलम का इस सपोर्ट से लेकर इस सपोर्ट तक का L हो जाएगा, फिर यहां से L बाय फोर और इस सपोर्ट के बॉटम से भी यहां से L बाय फोर पर लैप नहीं आएगा। और लैप लेंथ हमारी कितनी होती है, 50D हम लैप लेंथ लेते हैं, 50D हम लैप लेंथ कैलकुलेट करते हैं। और जो इसकी मिनिमम वैल्यू है, लैप लेंथ की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 24D मिनिमम वैल्यू, जो इससे कम लेना ही नहीं है आपको 24D से लैप लेंथ। अब जब हम बात करते हैं इस पे बार किस तरह से लग रही है, तो अब क्या होता है, कॉलम ही एक ऐसा मेंबर है जो स्टेज वाइज कंस्ट्रक्शन होता है, इसी वजह से इसमें ज्यादातर अलग अलग जगह पर हमको लैप देना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन है जो लॉन्ग ड्यूरेशन में चल रहा है, स्टेज वाइज उसका कंस्ट्रक्शन होना है, तो हम एक बार में पूरी रेनफोर्समेंट ऊपर तक नहीं ले जा सकते, नहीं तो जो कॉलम का फ्रेम
फेल हो सकता है या फिर उसमें बहुत अलग अलग तरह के डिसएडवांटेजेस हमको फेस करने होंगे साइट कंडीशंस के हिसाब से। तो उस केस में जब हमारा हमको स्टेज वाइज कंस्ट्रक्शन करना होता है, तो यहां पर हमारा हम बात करें, ये हमारा फाउंडेशन हो गया, यहां पर हमारी फुटिंग मैश हो गई, फुटिंग मैश से हमारा जो कॉलम का फ्रेम है वो लगना चालू होगा, जो यहां पर डेवलपमेंट बनाता है वो कितना बनाता है कॉलम 300 mm मिनिमम वैल्यू होना ही चाहिए इस लेग का, क्लियर। यहां से मैं आपको एक केस बता देता हूं प्रॉपरली, यहां से बार ऊपर आना चालू हुआ, अब ये बार कहां तक जाएगा, हमेशा ये इस जंक्शन से ऊपर ही छूटेगा, प्लिंथ बीम के ऊपर ही निकलेगा, कहां तक, ये L by 4 के डिस्टेंस के ऊपर तक ही छूटना चाहिए, इससे नीचे नहीं आना चाहिए। यहां पर लैप आएगा तो उस केस में क्या है, मैक्सिमम मूवमेंट के वजह से लैप फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसी वजह से यहां पर L by 4 के ऊपर ही लैप डिस्टेंस छोड़ना होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो और बार होंगी, ये चीज मैंने आपको वीडियो में बताया है लैप लेंथ के केस में, कि हमेशा हमको अल्टरनेट लैप प्रोवाइड करना होता है, क्लियर। कभी भी मान लेते हैं कि जो हम इसमें बार्स हैं कॉलम के केस में, वो 8 numbers of bars लगी हैं, 8 number of bar में IS कोड में प्रॉपरली मेंशन है कि नॉट मोर देन 50% ऑफ बार शुड बी लैप्ड एट सिंगल प्लेस, एक सिंगल पर्टिकुलर प्लेस तक 50% से ज्यादा बार लैप नहीं होनी चाहिए। मतलब कि 8 bars लगी हैं तो इसका 50% कितना हो गया, 4 bars, क्लियर। तो 4 bar एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक आकर छूटेगी और अगली 4 bar एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक आकर छूटेगी, दोनों की हाइट सेम नहीं होगी, 4 bar अलग डिस्टेंस पर और अगली 4 अलग डिस्टेंस पर। जैसा कि हमें पता है जो हमारी बार है उसकी लेंथ कितनी होती है, 12 meters, क्लियर, टोटल लेंथ हमारी 12 meters होती है। इस 12 meters की बार को अलग अलग डिस्टेंस पर कटवाने का साइट पे सबसे अच्छा तरीका होता है 5.5 meters और 6.5 meters के लेंथ पर कटवा के हमको लगवाना बार्स को, क्लियर, क्योंकि इसमें आपको अल्टरनेट लैपिंग भी प्रोवाइड हो जाते हैं, क्लियर, और आपका 12 meters की पूरी बार यूटिलाइज भी हो जाती है कॉलम केस में। तो गाइस इस केस में जब हम बात करें तो ये अलग अलग जगह पर लैप है। नेक्स्ट, अब जब इसके ऊपर जब चालू होगा लैप कंटिन्यू, तो यहां से यहां पर एक बार आगे लगेगी, यहां से जैकल होके फिर ये ऊपर जाएगी, कौन से जोन तक, ये नेक्स्ट L by 4 जोन के ऊपर तक, क्लियर। यहां पर जो फर्स्ट फ्लोर का, जैसे ही यहां पर स्टेज वाइज कंस्ट्रक्शन की हम बात करें, तो अगर यहां तक कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाता है आपके स्लैब तक प्लिंथ बीम के ऊपर, अगर आपको आगे बढ़ना है तो ग्राउंड फ्लोर से कहां तक जाएगा, फर्स्ट फ्लोर तक, वो भी कौन से डिस्टेंस तक आपके प्रॉपरली, L by 4 जोन के ऊपर। सिमिलरली यहां पर भी इसी तरह से बार आएगी, लैप होगी और ये यहां तक जाएगी। इस तरह से लैपिंग लेंथ को कैलकुलेट किया जाता है, इस तरह से लैपिंग को समझा जाता है प्रॉपरली, जब हम साइड कंडीशन में काम करते हैं एग्जैक्टली इसी तरह से लैप को ज्वाइन कर करके हम आगे बढ़ते हैं, क्लियर। तो गाइस IS कोड 13920 बहुत इंपॉर्टेंट IS कोड है, आप इस IS कोड में जाइए और जितने कॉन्सेप्ट मैंने आपको लैप लेंथ से रिलेटेड बताए हैं, बीम के लैपिंग, बॉटम एक्स्ट्रा, टॉप एक्स्ट्रा, इसके लैप जोन से रिलेटेड बताए हैं, ये सारी चीजें जो भी मैंने आपको बताई हैं आपको क्लियरली इस IS कोड में मिल जाएगी प्रॉपरली, क्लियर। IS कोड के पेज नंबर 4 में देखिए बीम से रिलेटेड सारे डाटा आपको यहां पर मिलेंगे, कि बीम की हमको डेवलपमेंट लेंथ कितनी लेनी है, जो हमारा इसका टॉप एक्स्ट्रा और लैपिंग कौन कौन से जोन पर प्रोवाइड होती है, इसके सारे डाटा आपको मिल जाएंगे, क्लियर। ये देखिए यहां पर लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट एटलीस्ट 12 mm डाया, जो कि हम बात करते हैं बीम और कॉलम पे जो हमारा मिनिमम डाया ऑफ बार है वो कितना होना चाहिए। यहां पर लैप स्प्लाइसेस में आपको लेंथ का सारा
डाटा मिल सकता है इजिली कि कहाँ कहाँ पर लैप आता है, क्लियर। यहाँ पर आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा है कि IAS कोड के रेफरेंस को फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इन रेफरेंसेस को फॉलो करिए, इन सारी चीज़ों को पढ़िए, और इससे रिलेटेड फिर अगर आपको डाउट होता है कुछ तो आप मुझसे क्लियरली पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है कॉलम के रेनफोर्समेंट का। देखिए, कॉलम एंड इंक्लाइंड मेंबर्स के जो प्रॉपर डिटेलिंग्स है, इसमें भी लैप लेंथ के बारे में प्रॉपरली क्लियर डाटा गिवन है। आप यहां पर देख सकते हैं प्रॉपरली, यहां पर लैपिंग लेंथ के बारे में, द स्पेसिंग ऑफ द लिंक्स शेड नॉट एक्सीड 100 mm, जो कॉलम केस में हम इसको लिंक्स भी कहते हैं, 100 mm से ज्यादा स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए। द लैप लेंथ शेड नॉट बी लेस देन डेवलपमेंट लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट बार इन द टेंशन जोन, जो हमारा मैक्सिमम डेवलपमेंट लेंथ है उससे छोटा नहीं होना चाहिए हमारा लैप लेंथ। लैप स्प्लाइसेस सेल बी प्रोवाइडेड ओनली इन द सेंट्रल हाफ ऑफ द क्लियर कॉलम हाइट। इस चीज का ध्यान दे, सेंट्रल हाफ ऑफ द क्लियर कॉलम हाइट एंड नॉट विद इन अ जॉइंट, मतलब कि जॉइंट पे नहीं देना है हमको लैप। इस चीज का ध्यान रखें, यहाँ IAS कोड स्टैंडर्ड्स में भी मेंशन है ये सारी चीजें, क्लियर। लैप स्प्लाइसेस यहां पर देखिए, नॉट मोर देन 50% ऑफ एरिया ऑफ स्टील बार। यहां पर आप देखिए, नॉट मोर देन 50% ऑफ एरिया ऑफ स्टील बार शैल बी स्प्लाइस्ड एट वन सेक्शन। यहां पर देख सकते हैं आप प्रॉपरली कि 50% से ज्यादा नहीं लैप होना चाहिए एक पर्टिकुलर जगह पर, को खास ध्यान देना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ई पॉइंट की। ई स्प्लाइस लैप स्प्लाइसेस शैल नॉट बी यूज्ड फॉर बार्स ऑफ डायमीटर लार्जर देन 32 mm, फॉर विच मैकेनिकल स्प्लाइसिंग शैल बी अडॉप्ट। 32 mm से ज्यादा का डायमीटर अगर हमारा होता है बार का, तब हमें क्या होता, तब हमें क्या करना होता, तब वहां पर लैप नहीं प्रोवाइड कर सकते। उस केस में हमको या तो वेल्डिंग का इस्तेमाल करना होगा या फिर हमको कपलर्स का यूज करना पड़ेगा, अगर आपका 32 mm डायमीटर का बार आता है तो। क्लियर है गाइस?